हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन पार्ट टू। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे टॉक्सिक ग्रुप का किस प्रकार से नेबरिंग ग्रुप में पार्टिसिपेशन होता है वो एग्जाम्पल के थ्रू समझने का कोशिश करेंगे। तो ऐसे टॉक्सिक ग्रुप का मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर बना दिया है। तो अगर आपने बात करना है सीस और ट्रांस, आपने दो आइसोमर ले लिया है, तो जैसे समझते हैं द रेट ऑफ सॉल्वोलिसिस, द रेट ऑफ सॉल्वोलिसिस ऑफ सिस एंड द ट्रांस, सिस एंड द ट्रांस आइसोमर्स ऑफ टू एसिटॉक्सी साइक्लोहेक्साइल, पूरा साथ में रहेगा, साइक्लोहेक्साइल पी टॉलिन। ठीक है, पैराटोलिन सल्फोनेट, मतलब आपने क्या किया, टू एसिटॉक्सी साइक्लोहेक्साइल पैराटोलिन सल्फोनेट का सीसो ट्रांस आपने दोनों लिया है, और दोनों का आपने कोशिश किया कि सॉल्वोलिसिस करते हैं और रेट पता करते हैं। तो सीसो ट्रांस का जो आपने सॉल्वोलिसिस किया, वो दोनों में जो फैक्टर जो डिफरेंस है वो 650 का डिफरेंस आता है। 650 मतलब 650 टाइम्स जो है आपका ट्रांस वाला जो है वो ज़्यादा रैपिडली चला जाता है, बिकॉज दैट इज़ मोर रिएक्टिव। विच वन? ट्रांस वन। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे आपको एक रिएक्शन लिख रहा हूँ, जरा ध्यान से देखिए आप। दिस इज़ योर साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, यहाँ पे आपने ओ टी एस लगा दिया, टॉसिलेट कर दिया, ये आपका हो गया डॉट ऊपर था, ये वेज है, एंड दिस इज़ ओ सी डबल बॉन्ड ओ सी एस थ्री, आपने इस पे कर दिया एसिटेट ग्रुप पास किया, सी एस थ्री सी ओ ओ माइनस एंड एसिटिक एसिड सॉल्वेंट यहाँ पे लिया, तो ये आपका क्या ट्रांस है। बात समझ में आ रही है? दिस इज़ योर ट्रांस। तो ट्रांस ने आपको क्या दिया भाई? ट्रांस ही दिया है। इसका मैं आपको मैकेनिज्म अभी दूंगा। तो यहाँ पे जो है ओ सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री, दिस इज ओ सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री, तो ट्रांस का ट्रांस हो गया। अच्छा, अब दूसरा देख लेते हैं, ये आपका अच्छा एग्जाम्पल है। सेकेंड एग्जाम्पल जरा देखते हैं। इफ़ यू हैव टेकन साइक्लोहेक्साइल बना दिया आपने, नाउ यू हैव टेकन योर ओ टी एस टॉसिलेट कर दिया, इसको भी वेज पे रखा और इसको भी वेज पे रखा, मतलब ये सी से एक प्रकार से सी डबल बॉन्ड हो सी एच थ्री, आपने यहाँ पे ऐड किया, सेम कंडीशन है, एसिटेट सी एच थ्री डबल बॉन्ड हो ओ। ठीक है, अब यहाँ पे भी आपने ऐसे टॉक्सिक ग्रुप लगा दिया, सॉल्वेंट सेम रखा है, एसिटिक एसिड सी एच थ्री सी ओ एच। अच्छा, अभी यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिल रहा है ये आपका तो ऊपर वाला तो ट्रांस था, ये सीस है, तो सीस वाले का क्या हो जा रहा है भाई? ट्रांस हो जा रहा है, और ट्रांस वाले का ट्रांस ही था। तो इसके पीछे की क्या केमिस्ट्री है वो हमें समझने की कोशिश करनी है, और ये नेट एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है इन टर्म्स ऑफ स्टीरियो केमिस्ट्री। इन टर्म्स ऑफ स्टीरियो केमिस्ट्री मतलब दोनों का प्रोडक्ट आप देखोगे ना, तो दोनों के दोनों क्या भाई? ट्रांस ही। वेदर यू टेक इट फ्रॉम सीस और ट्रांस, आपको जो प्रोडक्ट मिलने वाला है वो ट्रांस ही मिलने वाला है। ठीक है, सो आई कैन से दैट द रिजल्ट कैन बी एक्सप्लेन बाय पार्टिसिपेशन ऑफ ट्रांस एसेटॉक्सी ग्रुप। ठीक है, क्योंकि वो आयोनाइजेशन को फैसिलिटेट करता है, बिकॉज इट डज फैसिलिटेशन ऑफ आयोनाइजेशन, मतलब टॉसिलेट ग्रुप निकलेगा तो वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो वो प्रमोट करने का जो काम है वो आपका कौन कर रहा है? ट्रांस पोजिशन पे जो आपका
दिस योर एसिटॉक्सी ग्रुप प्रेजेंट है वो काम कर रहा है, तो वो प्रमोट कर रहा है बेसिकली। अच्छा, अभी एक रिएक्शन मैं आपको समझाने वाला हूँ जो नीट नेट के एग्ज़ाम में आया हुआ है, ठीक है, विद द प्रॉपर स्टीरियो केमिस्ट्री। सो स्टीरियो केमिस्ट्री कैन इंडिकेट द नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, क्योंकि वो क्या करता भाई, आपका जो है वहाँ पे ओरिएंट कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर देता है। जस्ट सी हियर द स्टीरियो केमिस्ट्री, दी स्टीरियो केमिस्ट्री कैन इंडिकेट नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, एन जी पी, ठीक है। अगर जो है मुझे कैसे प्रोडक्ट मिल रहा है उसको ज़रा समझाना है बच्चे को, तो ज़रा ध्यान से देखिए, ये आपका साइक्लोहेक्सेन है, यहाँ पे आपने लगा दिया ओ टी एस, और ये आपका हो गया यहाँ पे ओ ए सी, ठीक है। अब आपने इसमें ऐड कर दिया एसिटिक एसिड ए सी ओ एच, तो आपका जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो ये मिल रहा है, मतलब ये ट्रांस है, तो ट्रांस का तो ट्रांस ही मिलता है। तो यहाँ पे जो है यू आर गेटिंग दिस ओ ए सी, और यहाँ पे आपका क्या भाई ओ ए सी, ठीक है। तो ये कैसे मिल रहा है ये हम लोग समझेंगे विद द हेल्प ऑफ चेयर फॉर्म से। जस्ट अ मिनट, ये आपका जो चेयर फॉर्म है, यहाँ पे दोनों के दोनों जो है ना, ये क्योंकि ट्रांस है तो दोनों या तो ऊपर जाएंगे, मतलब तो दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होगा। तो अगर मैं यहाँ पे लगाता हूँ दिस इज़ योर ओ ए सी, यहाँ पे लगा दिया, और ये जो है नीचे की तरफ जा रहा है ओ टी एस। अच्छा, अभी हमको ये करना पड़ेगा रिंग को फ्लिप, क्या होगा, रिंग होगी फ्लिप, रिंग फ्लिप करेंगे हम लोग तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। जस्ट अ मिनट, नाउ व्हेन यू विल डू द फ्लिपिंग ऑफ द रिंग, सो इट इज़ लाइक इट शुड बी मोर पैरेलल, ठीक है। तो ये थोड़ा सा और अच्छे से बना सकता हूँ मैं, जस्ट अ मिनट, तो आपने रिंग को फ्लिप कर दिया, तो जो है जो एक्सियल पे होता है वो इक्वेटोरियल पे चला जाता है, मतलब वर्टिकल उसकी पोजीशन चेंज हो जाती है। तो ये जो दिख रहा है आपको कहाँ पे है, इक्वेटोरियल पे, तो दोनों चले जाएंगे एक्सियल पे, तो ये नीचे आ गया कौन, ये डायरेक्टली वर्टिकल पोजीशन पे आ जाएगा आपका दिस, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया ओ टी एस, क्या लिख दिया ओ टी एस, और फिर यहाँ पे वर्टिकल पोजीशन पे आपका आ जाएगा दिस इज़ गोइंग टू बी दिस, यहाँ से मैंने कनेक्ट कर दिया है आपका ऑक्सीजन है, देन सी डबल बॉन्ड ओ, एंड देयर इज़ अ वन ऑक्सीजन ऊपर, ठीक है, सॉरी यहाँ ऑक्सीजन नहीं होगा, ये आपका एक बॉन्ड है ऊपर वाला, अच्छा ये आपका एक बॉन्ड है और नीचे एक बॉन्ड है, ये आपने रिंग फ्लिप करने पे किया। अच्छा, अब इसको मैं ज़रा अच्छे से इंडिकेट कर देता हूँ, ये जो है यहाँ से आपका जो सिस्टम से निकलेगा ओ टी एस, और इस ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर होते हैं, तो ये जो है एक लोन पेयर इसके ऊपर अटैक करा देगा, तो हमें नया वाला स्ट्रक्चर मिलेगा। तो जस्ट ध्यान से इसको फिर से बना देते हैं, तो यहाँ से आपने निकाल दिया इसको, तो ये जो है इसको मैं येलो से दिखा रहा हूँ, यहाँ से आपका हो जाएगा ओ, देन वी गॉट हियर सी डबल बॉन्ड, इसको ज़रा अच्छे से कर दूँ मैं, यहाँ पे आपका हो जाएगा ओ, ठीक है, फिर ये हो जाएगा यहाँ से दिस इज सी डबल बॉन्ड ओ, और ये बॉन्ड जो है इससे बना ले रहा है, दिख रहा है जहाँ से आपका टॉसिलेट ग्रुप निकला है उससे बॉन्ड बना लिया। अच्छा, अभी इस ऑक्सीजन को क्या आ गया भाई,
पॉजिटिव चार्ज आ गए, तो जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आएंगे अभी क्या होगा, इसको मैं इक्विवेलेंट कर देता हूँ इन द फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन। तो जब आप इसको साइक्लोहेक्सेन करेंगे, क्योंकि दोनों का दोनों एक ही तरफ है ना, ऊपर की तरफ ही है, तो उसको मैं इस तरह से दिखा देता हूँ, वेज की तरफ दिखा दिया। तो ये ऑक्सीजन, यहाँ पे आपका ऑक्सीजन, और ये डबल बॉन्ड है जैसे वन मिथाइल, सो देर इज़ अ पॉजिटिव चार्ज। अभी क्या होगा कि इसका दो लोन पेयर है, ये अंदर शिफ्ट किया और ये पाई बॉन्ड इसके पास चला गया, तो हमको नया इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर मिलता है। वो मैं नीचे भी ड्रॉ कर रहा हूँ रेड से, ज़रा देखिए, तो ऊपर वाला ही जो है वही स्ट्रक्चर दिखेगा, ठीक है। ये आपका हो गया, दिस इज़ ओ, दिस इज़ ओ, फिर ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, ये विद द पॉजिटिव चार्ज, ठीक है भाई। अच्छा, अब इसको मैं फिर से इन द फॉर्म ऑफ चेयर दिखा रहा हूँ, यही स्ट्रक्चर को मैं यहाँ पे बना रहा हूँ लेफ्ट में, ध्यान से ज़रा देखिएगा। वेन यू मेक इट इन द फॉर्म ऑफ चेयर स्ट्रक्चर, जस्ट दिस एंड दिस, ठीक है, ये आपका चेयर फॉर्म हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा कि जो यहाँ वाला बॉन्ड है, जैसे इट इज़ नॉट प्रॉपरली चेयर फॉर्म, जस्ट अ मिनट, आई विल जस्ट रब इट। तो अभी ये जो है, जब आप इसको ऐसे बना देंगे, सो देर इज़ अ, जस्ट अ मिनट अगेन, इट्स नॉट सो प्रॉपर, अब आपने क्या करना है, यहाँ से आपने विड्रॉ कर दिया, ऊपर ओ है, देन वी गॉट योर सी, ये आपका ये है, देन डबल बॉन्ड ओ, ये कनेक्टेड इससे है, एंड देयर इज़ अ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब क्या होगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, यहाँ से इसके पास चला जाएगा, और आपके पास क्या है, एसिटिक एसिड तो दिख ही रहा है, AcOH, और ये भाई अटैक कर देगा इसके ऊपर, तो आपको नया स्ट्रक्चर क्या मिल गया, सिमिलर वही, एक ऊपर हो जाएगा और एक नीचे हो जाएगा, सो देर इज गोइंग टू बी वन हियर योर ओ ए सी एंड वन ओ ए सी एट अ बॉटम, सो इट इज़ लाइक अप एंड डाउन, सो आई कैन मेक इट लाइक दिस वे डॉटेड में, और एक आपका वेज में ओ ए सी एंड ओ ए सी, सो दिस इज़ हाउ इट गोज। थोड़ा सा रिंग स्ट्रक्चर बनाने में थोड़ा सा डिफिकल्टी हो रहा था, बट एज़ फार एज द कंसेप्ट इज कंसर्न, आई होप यू यू गॉट इट। ये नेट के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, सो दिस इज़ अबाउट द पार्ट टू ऑफ योर NGP। थैंक यू।